तो लिए बॉबी देओल के फैंस भी हो जाइए खुश, क्योंकि ये खुशखबरी बॉबी देओल के लिए भी आई है और ये फिल्म है कंगवा। कंगवा से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन आई। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगणमन रिएक्ट्स। तो जी, सूर्या की फिल्म जिसमें बॉबी देओल जो हैं खूंखार विलेन बने हैं, उसके बारे में कुछ जानकारियां सामने आई हैं। नंबर एक, फिल्म का रन टाइम क्या है? अभी हाल फिलहाल में कई सारी फिल्में आई हैं जिनका रन टाइम बड़ा लेंदी महाभारत सी होती है, पूरी 3-3 घंटे की फिल्में होती हैं, वो ये फिल्म नहीं करने वाली है। तकरीबन 2.5 घंटे की फिल्म है विदाउट टाइटल्स, तो मतलब ये थोड़ा फिल्म बढ़ेगी लेकिन 3 घंटे नहीं होगी। और उसके अंदर भी जो मोर जो फोकस है वो पुराने वाले कंगवा पे है। मतलब कंगवा मतलब आग का देवता आप कह लीजिए उसे, आग की शक्ति वाला इंसान कह लीजिए उसे, और फिल्म बेसिकली कंगवा पर बेस्ड है। जैसे गजनी का फॉर्मेट अगर आपको याद होगा, गजनी का फॉर्मेट में एक लड़की कुछ पड़ताल करती है तो वो धीरे धीरे गजनी की लाइफ तक को जानने की कोशिश करती है, कुछ इसी तरह का यहाँ होने वाला है कि जो नया करेक्टर है जो सूर्या का, जो मॉडर्न टाइम का सूर्या है, वो उसको 25 मिनट का टाइम है, लेकिन जो पुराने ज़माने का सूर्या है उसको तकरीबन 2 घंटे का टाइम है जो स्क्रीन टाइम है, और उसी जो पुराने ज़माने का 2 घंटे का टाइम है उसी में उसकी टक्कर होगी सबसे खूंखार, उस ज़माने का जालिम कह लीजिए, खूंखार कह लीजिए, बलशाली कह लीजिए, वो है कंगवा का जो विलेन है, दैट इज़ बॉबी देओल, जिनके लुक्स हम देख चुके हैं। तो ये बॉबी देओल के लिए भी अच्छी है कि भाई जितना प्री हिस्टोरिक टाइम में रहेगा उतना बॉबी देओल के पास भी चांस होगा। हमने देखे करेक्टर के अंदर काफ़ी खूंखार किस्म का करेक्टर है, और जो झलक दिखाई गई है अपनी प्रजा जो है उनकी बहुत प्यार करती है, और अपने लोगों का तो हीरो है, और वो हीरो कैसे एक फैमिली, मतलब इस तरह की जो कहानी जो अब तक नज़र आई है कि कंगवा के किसी खास का मारता है तो इसके बाद कंगवा और उनके आपस में भिड़ंत होती है और फिर क्या क्या होता है, लेकिन ये कहानी इससे कहीं ऊपर है। मतलब जिस तरह से फिल्माया गया है और जिस तरह से इसमें टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है, खबर ये आ रही है कि सूर्या की जो वॉइस है जो 38 भाषाओं के अंदर रिलीज होनी है, 38 भाषाओं के लिए कहाँ से डब करने के लिए लोग आएंगे, तो वो बहुत लंबा प्रोसेस है, उसकी जगह AI की मदद ली गई है। कई भाषाओं में AI की मदद से डब किया गया है सूर्या की आवाज़ को, तो लेट्स सी ये बनके कैसे निकलता है। एक नेगेटिव खबर ये आई कि लेकिन IMAX पर रिलीज़ नहीं होगी। कई सारे फैंस, जिस तरह का फिल्म का कैनवास है, जिस तरह का फिल्म का डिज़ाइन है, उससे लगता था कि बड़े पैमाने की फिल्म है, और लेकिन देखते हैं अब ये बनके कैसे निकलती है, क्या होता है, और जो अपडेट होगा आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे। नमस्कार।